प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से देखने वाले हैं मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच में अंतर को। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलिएगा बिना किसी देरी के समझते हैं कि मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच में क्या क्या अंतर है और आप सभी को इस अंतर को किस प्रकार से याद कर लेना चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैं आप सभी को पूरा का पूरा अंतर बताने वाला हूँ मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच में। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच में क्या क्या अंतर है और आप सभी को इसको कैसे याद पूरा कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा पहला अंतर, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा याद कर लेंगे। देखिएगा मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच में पहला अंतर ये लिखा है, मातृभाषा किसी व्यक्ति के जन्म स्थान की भाषा होती है। देखिएगा क्या आपको याद करना है, मातृभाषा किसी व्यक्ति के जन्म स्थान की भाषा होती है और एक तरफ लिखा है राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र की भाषा होती है। क्या याद करना आपको, राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र की भाषा होती है। तो इस प्रकार से आप सभी को इसको याद कर लेना है। क्या लिखा है, मातृभाषा किसी व्यक्ति के जन्म स्थान की भाषा होती है और एक तरफ लिखा है राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र की भाषा होती है। तो इस तरह से आप सभी को यहाँ से इस अंतर को याद कर लेना है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। तो देखिएगा यहाँ पर ये दिया गया है, आप सब लोग यहाँ से इसको याद कर लेंगे। क्या लिखा है, मातृभाषा अपने क्षेत्र की शिक्षा और शासन की भाषा होती है। क्या लिखा है, मातृभाषा अपने क्षेत्र की शिक्षा और शासन की भाषा होती है और इधर लिखा है राष्ट्रभाषा संविधान और अदालतों की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा संविधान और अदालतों की भाषा होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक मैंने यहाँ से आपको दो अंतरों को बता दिया है और आशा करता हूँ कि दोनों ही अंतर आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप सभी ने इनको अच्छे से याद भी कर लिया होगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के अंतर को देखते हैं और समझते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। देखिएगा मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच में अभी तक मैंने आपको दो अंतरों को बता दिया है, पहला अंतर ये लिखा है और इधर ये हो गया और दूसरा अंतर ये आपका हो गया। तो इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ से इनको याद कर लेंगे अच्छे से। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन वो देखते हैं पॉइंट्स को। तो देखिएगा अगला पॉइंट ये लिखा है, प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ से इसको याद कर लेंगे। क्या लिखा है, मातृभाषा का क्षेत्र संकुचित होता है। क्या होता है, मातृभाषा का क्षेत्र संकुचित होता है और एक तरफ लिखा है राष्ट्रभाषा का क्षेत्र विशाल होता है। कैसा होता है, राष्ट्रभाषा का क्षेत्र विशाल होता है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना है कि अभी तक मैंने आपको जो तीन पॉइंट्स बताए ना, इन तीनों को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। तो देखिएगा पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा, मातृभाषा किसी व्यक्ति के जन्म स्थान की भाषा होती है और राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र की भाषा होती है। मातृभाषा अपने क्षेत्र की शिक्षा और शासन की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा संविधान और अदालतों की भाषा होती है। मातृभाषा का क्षेत्र संकुचित होता है और राष्ट्रभाषा का क्षेत्र विशाल होता है। तो इस प्रकार से आप सभी को इन तीनों अंतरों को अच्छे से याद कर लेना है। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट्स को देखते हैं। तो देखिएगा अगला पॉइंट ये लिखा, प्यारे विद्यार्थियों क्या लिखा है, मातृभाषा की लिपि भिन्न हो सकती है और राष्ट्रभाषा की लिपि निश्चित होती है। क्या याद करना आपको, मातृभाषा की लिपि भिन्न हो सकती है और राष्ट्रभाषा की लिपि निश्चित होती है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको इन अंतरों को याद कर लेना है। जैसा मैंने आपको बताया है आप सब लोग यहाँ से इस अंतर को अच्छे से याद कर लेंगे। ए टू जेड अंतर आपसे प्यारे विद्यार्थियों पेपर में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, ये मातृभाषा का अंतर है और ये राष्ट्रभाषा में है। तो आप सब लोग यहाँ से इन पॉइंट्स को देख लेंगे। पहला पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया था कि मातृभाषा किसी व्यक्ति के जन्म स्थान की भाषा होती है, राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र की भाषा होती है, मातृभाषा अपने क्षेत्र की शिक्षा और शासन की भाषा होती है, राष्ट्रभाषा संविधान और अदालतों की भाषा होती है, मातृभाषा का क्षेत्र संकुचित होता है, राष्ट्रभाषा का क्षेत्र विशाल होता है, मातृभाषा की लिपि भिन्न हो सकती है और राष्ट्रभाषा की लिपि निश्चित होती है। तो देखिएगा इस प्रकार से आप तीनों के चारों अंतरों को यहाँ से आप लोग अच्छे से देख लेंगे और याद कर लेंगे। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।